कनक भाई क्या कहेंगे यहाँ पर पुलिस को लेकर? पुलिस यहाँ पर मिली भी लग रही है, मौसम की रिपोर्ट नहीं दी है और बॉडी को और उसके फैमिली को यहाँ से बाहर निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं हर कोई परेशान है, उनके पेरेंट्स को दबाव में और रिपोर्ट इन्होंने अभी तक यहाँ पर नहीं दी। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा और पुलिस के द्वारा यहाँ पर धक्का मुक्की और बदतमीजी करी जा रही है महिलाओं के साथ। तो कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में है, अब वो राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, तो किसका दबाव है ये जानना अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरें यहाँ पर जो हंगामे की स्थिति ऋषिकेश एम्स में बनी हुई है। पुलिस यहाँ से सबको खदेड़ के एम्बुलेंस को भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी जो लोगों का आक्रोश है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत ही हंगामे साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है, जो हंगामे की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और लोगों का ये कहना है कि पुलिस प्रशासन और सब कुछ एक मिली भगत चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बातें सामने आई उनको बताया क्यों नहीं गया? लोगों की ये डिमांड थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई होंगी उनको बताया जाए, लेकिन फिलहाल एम्बुलेंस को यहाँ से ले जाया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो शव आज मिला था उसका पोस्टमार्टम किया गया आपसे कुछ देर पहले, और अभी यहाँ से एम्बुलेंस जो है वो रवाना हो चुकी है अंकिता भंडारी के शव को लेकर के। लेकिन लोग उसका विरोध करते रहे, लोग एम्बुलेंस को बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। लोगों का कहना ये था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक यहीं पर किया जाए, ये बताया जाए कि उसमें क्या हुआ है, क्या उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो सकती है। इन तमाम बातों को लेकर के लोगों का जो प्रदर्शन था वो यहाँ पर अभी आपने देखा, हल्का सा बल प्रयोग भी पुलिस ने जरूर किया, बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित थे। आप तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कितना आक्रोश लोगों के अंदर है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी लगातार नारेबाजी। अरे पूरी जनता तुम्हारे साथ है, ऐसे कमजोर हो गए कुछ नहीं पड़ेगा। नीचे खा रहे, ये कह रहे हैं आधे घंटे बाद बताइए, बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं, ये बदलेंगे उसमें बैन का रेप हुआ है और वो धारा नहीं लगी है, ये बताएंगे नहीं, ये सिर्फ उन धाराओं में बताएंगे। ऐसा होने नहीं देंगे, ये फैब्रिकेट कर रहे हैं। परिवार वाले, परिवार वाले से हंगामा शुरू हो चुका है एम्स ऋषिकेश में, जहाँ पर पोस्टमार्टम अंकिता का हुआ, बॉडी को यहाँ से लिया जा रहा है, एम्बुलेंस सामने आ चुकी है। गाड़ी चले आगे, गाड़ी आगे ले जाओ, ले जाओ आगे, 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 ले जाओ आगे। सामने क्या है, 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 क
बड़ी संख्या में लोगों ने एम्बुलेंस को रोक लिया है। ऋषिकेश एम्स के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बर्फी से हंगामा यहाँ पर शुरू हो चुका है। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर के ये एक और बड़ा अपडेट इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और सीधी तस्वीरें ऋषिकेश एम्स के बाहर से आप देख पा रहे हैं। लोग आक्रोशित यहाँ पर सामने नजर उनके पिता अजीत के बाहर यहाँ से ले जाया जा रहा है। अंकिता के पिताजी एम्बुलेंस में इस वक्त बैठे हुए हैं। अगली सीट पर भैया पूछने की कोशिश करेंगे। भाई साहब भाई साहब क्या कहेंगे, क्या अभी पोस्टमार्टम हो चुका है, आपकी क्या डिमांड है? अरे रिपोर्ट क्या है द्वारा यहाँ पर की जा रही है। हंगामे वाली स्थिति जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बहुत
हेवी डिप्लॉयमेंट पुलिस प्रशासन का यहाँ पर था। मैडम क्या कहेंगे मैडम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के? सारे निकाले गए, आगे निकाले गए, पैसे उसके बाप के हाथ में पकड़ा गए। वो बोलो तो लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या हुआ वो बातें क्यों नहीं बताई गई। तो एम्बुलेंस फिलहाल यहाँ से निकल चुकी है और ये स्थिति थी ऋषिकेश एम्स के बाहर। हालांकि अब यहाँ से क्योंकि अब एम्बुलेंस निकल चुकी है, अंकिता भंडारी का जो शव था वो भी यहाँ से निकल चुका है। पुलिस को भी एक भारी विरोध का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि क्या कोई मिलीभगत हो रही है या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कोई छेड़खानी की जा सकती है। ये तमाम आशंकाएं लोगों की थी और अब जो भीड़ यहाँ पर मौजूद थी वो अब एम्स ऋषिकेश से बाहर इस वक्त यहाँ से निकल चुकी है। लेकिन जो तस्वीरें आपने देखी, हंगामे की जो तस्वीरें, किस तरीके से लोगों ने एम्बुलेंस का रास्ता यहाँ पर रोका, अंकिता की बॉडी को यहां से ले जाने नहीं दिया गया। लेकिन अंकिता के पिता जी 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 बताइए, सरकार में हमें भरोसा नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर सकती, गोल गोल कर दिया, अब इंसाफ नहीं मिलेगा गरीब आदमियों को, कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, सरकार कुछ नहीं कर सकती है, सरकार हमेशा अमीरों को बचाएगी और बचाती आएगी। ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं बताई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुबह से हम भूखे प्यासे बैठे हुए, क्यों नहीं बताई रिपोर्ट? सर आपस में घपला कर दिया। तो साफ तौर पर लोगों का कहना यह है कि उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया था। वो तमाम बातें बतानी चाहिए थी लेकिन बताई नहीं गई। लेकिन जो एम्बुलेंस है वो यहाँ से निकल चुकी है अंकिता की बॉडी को लेकर के। अंकिता भंडारी हत्याकांड जो कि बनंतरा रिजॉर्ट जो कि चीला में मौजूद है, बनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थी और बनंतरा रिजॉर्ट का जो मालिक था पुलकित आर्य जो कि बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री उनके बेटे हैं और गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन एम्बुलेंस इस वक्त यहां से निकल चुकी है। तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से लोग विरोध कर रहे थे और अभी भी यहां से आप तस्वीरें देखिए, नारे लगाते हुए ही लोग एम्स ऋषिकेश के बाहर यहां से जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन भारी संख्या में यहां पर डिप्लॉय था, तैनात था और पूरी कोशिश ये रखी गई कि बॉडी को यहां से बाहर ले जाया जाए। लेकिन कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, हल्का सा लाठी चार्ज भी हमने देखा। मैं गाड़ी के आगे लेटी, क्या है ये निशान? महिला पुलिस इन्होंने पुलिस तो आपने देखा किस तरीके से विरोध और आक्रोश लोगों में अभी भी है। पुलिस को लेकर के नारेबाजी लगातार की जा रही है यहाँ पर, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी लगातार की जा रही है और एम्बुलेंस क्योंकि बाहर यहाँ से निकल गई है। कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि उनको पकड़ा गया, घसीटा गया, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन पर बल का प्रयोग भी किया गया, लाठीचार्ज भी थोड़ा सा देखने को मिला आखिरी समय पर। लेकिन एक बहुत बड़े हंगामे के बाद फिलहाल यहाँ से जो अंकिता भंडारी है उसका पार्थिव शरीर, उसका शव यहाँ से ले जाया जा चुका है। जी बताइए सर क्या कहेंगे? यहाँ जब उस बेटी का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही थी, बड़ी दुख की बात है कि वही पुलिस प्रशासन, जिस पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी उस बच्ची को बचाने में थी, उस प्रशासन ने जनता के यहाँ जो है, जो जनता जो है बेटे के लिए जो सड़क में जो होने के लिए आया था उसमें बल प्रयोग किया गया, मानने का प्रयास किया गया। सरकार को जो संज्ञान लेना चाहिए, अदरवाइज जनता जरूर जवाब देगा। धन्यवाद। बिल्कुल। तो लोगों का ये कहना है कि जो लोग यहाँ पर दो तीन दिन से खड़े हैं अंकिता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उनके साथ ही पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर बल का प्रयोग किया
जिसको लेकर के लोग खासे नाराज हैं और लोग डिमांड ये कर रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई होंगी उनको सार्वजनिक तौर पर बताया जाता, उसके बाद यहां से अंकिता की बॉडी को ले जाया जाता। लोगों का ये भी आरोप है कि अंकिता के जो घर वाले हैं उनके ऊपर अननेसेसरी दबाव भी बनाया जा रहा था। और अंकिता के पिताजी, जैसा कि आपने देखा भी हमारे इस वीडियो क्लिप में, जो कि एम्बुलेंस की अगली सीट पर बैठे हुए थे और उनके साथ पुलिस के भी लोग थे, उनको बिठाया गया, उसके बाद बॉडी को गाड़ी पर रखा गया और वहां से ले जाया गया। तो ये ऋषिकेश एम्स की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर आक्रोशित जो लोग हैं यहां से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन नारेबाजी लगातार जारी है। सरकार के खिलाफ भी इंसाफ की मांग की जा रही है, अंकिता भंडारी के लिए डिमांड की जा रही है कि जो लोग आरोपी हैं उन्हें मौत से कम की सजा ना मिले, फांसी की सजा मिले। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के भी कई शंकाएं सरकार को लेकर एक बड़ी नाराजगी लोगों में थी देखने को मिली। जिस तरीके से वरंतरा रिजॉर्ट की भी आपने आज तस्वीरें देखी, सुबह में आपको दिखाए किस कैसे वहां पर बुलडोजर पहुंचता है, कल रात को एक हिस्सा उस रिजॉर्ट का गिराया जाता है। लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब बुलडोजर आप ले गए, आपको ध्वस्तीकरण करना था, तो पूरा रिजॉर्ट मिट्टी में क्यों नहीं मिला दिया गया, उसको लेकर के भी सवाल लोगों ने उठाए। जो रिजॉर्ट था जहां पर अंकिता काम करती थी, उसके पीछे का जो इलाका था जो फैक्ट्री के तौर पर यूज में आता था, वहां पर आग लगा दी गई। वो आग किसने लगाई, कैसे लगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल यहां से अब सभी लोग बाहर निकल चुके हैं, लेकिन लोगों की मांग यही है कि अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं, अंकिता के जो कातिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और यही डिमांड लोगों की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ये भी कहना चाह रहे थे, लेकिन अब ऑफिशियल्स क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले में, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो क्या कुछ कहती है, इस पर लोगों का विरोध अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी लोग नाराज हैं, अभी भी पुलिस की गाड़ी को रोक करके नारेबाजी कर रहे हैं। ऋषिकेश एम्स की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर अंकिता की बॉडी को यहां से ले जाया तो गया है, लेकिन लोग अभी भी नाराज हैं, नारेबाजी लोगों की लगातार जारी है। लोगों का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बातें थी वो क्यों नहीं बताई गई सार्वजनिक रूप से।